तो नाजरीन, अब बात करें ईद की तैयारियों की, तो ख्वातीन की ईद शॉपिंग की फहरिस्त लंबी और वक्त कम रह गया है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में रश बढ़ गया। जूतों और कपड़ों की खरीदारी के बाद ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स ख्वातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। बच्चों के साथ साथ मर्द हजरात भी ईद की शॉपिंग में किसी से पीछे नहीं। महंगाई के सताए शहरियों के गिले शिकवे भी। इस वक्त हमारे नुमाइंदा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं। उसे जानेंगे कि मार्केटों की क्या सूरत हाल है। लाहौर से सामिया सईद, कराची से रुताबा अरूस, इस्लामाबाद से फौजिया अली और क्वेटा से सुमन इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा, लाहौर चूँकि एक रौनक वाला शहर है, तो लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है ईद की शॉपिंग में, कैसी गहमा गहमी आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर खूब गहमा गहमी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अफ्तारी के बाद से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर रश है कि कम होने का ही नहीं ले रहा। ख्वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने लिए खूब शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ख्वातीन की तैयारी तो चांद रात तक भी मुकम्मल नहीं होती और अभी भी ये देखा जा रहा है कि ख्वातीन की तैयारी मुकम्मल होने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रही। आज भी जो है वो जूतों की खरीदारी की जा रही है और ख़ास तौर पर लड़कियों का जो रुझान है वो काफ़ी जो है वो खुश की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि वो कहती हैं कि एक ट्रेडिशनल त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है, इसके अंदर जो है वो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से खुद से पहनेंगे, गरारे पहनेंगे, कमीज शलवार पहनेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि मुकाबला खासा सख्त है। अब बात कर लेते हैं फौजिया अली से, इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं। फौजिया, आप इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और ख्वातीन, बच्चों, मर्दों की किस तरह की तैयारी देख रही हैं? जी बिल्कुल, जो जो रोज़े ईद करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो ऊपर पहुंच गई है। इस वक्त मैं जिना सुपरमार्केट में मौजूद हूं। यहां पर हर साल की तरह जो है इस साल भी चूड़ियों का बाज़ार जो है वो सज गया है और यहां पर इफ्तार के बाद से लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग के लिए आ रही है, चूड़ियाँ खरीद रही है। साथ ही साथ जो है वो मैचिंग ज्वेलरी के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, हैंड बैग के स्टॉल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गहमा गहमी चकाचौंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैरायटी है चूड़ियों की और ज्वेलरी की और लड़कियां अपने मनपसंद जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं, क्योंकि ईद का जोड़ा जो है तकरीबन लड़कियों ने, ख़वातीन ने वो जो है वो ले लिया है। तो अब उसके साथ जो है मैचिंग के लिए इस बाज़ार की रौनकें जो है वो हर साल की तरह जो है वो दुबाला हो गई हैं। चूड़ियों में वैरायटी है, कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो ख़वातीन को पसंद हैं, वो खनकती छनकती चूड़ियाँ वो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ मेटल की चूड़ियाँ भी हैं और मुख्तलिफ तरह के। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। क्वेटा का रुख करेंगे, जहां पर सुमन इस्माइल मौजूद हैं। सुमन, बताइएगा, क्वेटा के अंदर ईद के हवाले से क्या सरगर्मियां जारी हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह क्वेटा में भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर की तैयारियां करती नज़र आ रही है। अगर हम क्वेटा बात करें तो यहाँ पर दिन भर ही बाज़ारों में रश रहता है और अफ्तार के फौरन बाद से ही जो है वो फैमिलीज़, ख़वातीन और बच्चे जो है वो बाज़ारों का रुख कर लेते हैं और सुबह सहर के वक्त तक जो है यहाँ पर बाज़ार खुले रहते हैं और शॉपिंग जारी रहती है। ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में नज़र आती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और जूते, मैचिंग की चीज़ें लेते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ ही शहरियों का ये शिकवा भी है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बायस उनको मुश्किलात का भी कहीं ना कहीं सामना है। जी ठीक है, अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहाँ पर मौजूद हैं रुताबा अरूस। रुताबा, बताएगा वहाँ पर कराची में कैसी गहमा गहमी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की मार्केट तारिक रोड में मौजूद हूँ। 25 रोज़े गुजर गए हैं, महज 4 या 5 रोज़े बाकी हैं और कराची वालों की शॉपिंग जो है वो अपने उरूज पर है। यहाँ पर लोग जो है वो लेट नाइट शॉपिंग का जो है वो ट्रेंड है। लोग ज़्यादातर वो तरावी के बाद, इफ्तार के बाद निकलते हैं और फिर सहरी तक जो है शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद हैं, ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। मर्द हज़रात ज़्यादातर बच्चों को उठाए हुए, जबकि ख़वातीन जो है वो अपनी मैचिंग की तलाश में सरगर्म नज़र आ रही हैं। किसी को मैचिंग चाहिए, कोई मैचिंग जूते देख रहा है, कोई दुपट्टों की तलाश में है। और यहाँ पर एक ट्रेंड ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि अब ईद में कम दिन रह गए हैं। रुताबा रूस कराची से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। इससे कबल लाहौर से सामिया सईद, इस्लामाबाद से फौजिया अली और क्वेटा से सुमन इस्माइल भी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।